पूछा मौजे सबों ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, अगर तुमने शांसी से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। Come on, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं चाहिए ये पुरानी साड़ियां और पुराना जेवर। मैं हुज़ैफ़ा के साथ जाके सारी नई शॉपिंग करूंगी। शादी किससे हो रही है तुम्हारी? इतने चुपके से कैसे तय हो गए? है कब शादी? हुज़ैफ़ा को तो बहुत जल्दी है, लेकिन मामू है ना, वो धूमधाम के चक्कर में पड़े हुए। आप मेरे साथ आ जाए। मैंने क्या किया? मुझसे क्यों नाराज है? मामा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पापा को आराम करने दें प्लीज। मेरे साथ आ जाए। इकबाल को कुछ हुआ ना, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। क्या? क्यों तमाशा लगा रही हैं इधर? भाई हैं वो हमारे, हम कहीं नहीं जाएंगे, खून है हमारा। चुप कर, वो यहां कोई नहीं रुकेगा। पर हम तो मिलेंगे उनसे। किसी को मिलने नहीं दूंगी सुना तुमने? किसी को मिलने नहीं दूंगी। मामा प्लीज, पापा को हार्ट अटैक हुआ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। रजमा हम लोग तो ज़ैफ़ा, हम कहीं नहीं जाएंगे, भाभी भी तो यही है। वो यहां कोई नहीं रुकेगा, ना मामा ना। कोई लगी लिपटी मत, दो टोक बात करना हो ज़ैफ़ा। अच्छा अभी तो चुप हो जाए, मैं बात तो करने दे मुझे। हेलो, मैं जहरा बोल रही हूँ, आपस से बात कराओ मेरी। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मामा क्या हुआ, कौन है हॉस्पिटल में? बेटा इकबाल भाई को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। शम्मे मैं जा रही हूँ, आप चलेंगे? अरे पहले शानी आपा को फोन तो करो। मामा आप जाए, मैं फोन कर लूंगी, आप जाए। अच्छा मैं बैग लेकर आती हूँ। हेलो शानी खाला, अंकल को क्या हुआ है? मामा आ रही है आपके पास, पापा घर पे, खुदा हाफिज। क्या हुआ? माइनस अटैक है, अंकल का घर आ जाएंगे। खाला घर जा रही थी और सफ़िया और रश्मा की भी आवाज़ें आ रही थी पीछे से। क्या हुआ? किसने एक और नया ड्रामा शुरू हुआ? पापा। और नहीं तो क्या, वो बिल्कुल ठीक है भाई, वरना क्या शानी आपा घर जा रही होती और उनकी दोनों बहनें भी। इस वक्त तो ऐसी बातें ना करें। अच्छा फिर किस वक्त करूं? आप हॉस्पिटल जाएं, मैं घर जाती हूं। नहीं, मैं उस वक्त तक हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरी बेटी के बारे में कोई फैसला नहीं कर लेती। और शांदे भी उस वक्त तक नहीं जाएगी। तुम्हें जाना है तो ड्राइवर के साथ चलिए। और एक बात और कान खोल के सुन, अगर हुज़ैफ़ा का रिश्ता हमारी बेटी से नहीं हुआ तो तुम भी अपनी बहन को भूल जाओ। उनसे कह के आना कि उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारे लिए मर गई।
देखा तुमने अपने पापा को? अब ऐसी कोई बात मत करना, अभी आप जाए। हेलो हुज़ैफ़ा, कहाँ हो तुम लोग? और मामू कैसे? ठीक है, हम घर आ रहे हैं। अच्छा, गुड गुड। तो वो मामू के साथ है? नहीं, पापा आज हॉस्पिटल में रहेंगे, मैं मामा और पापा को ला रहा हूँ। अच्छा हेलो, सुनो, सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। शांजे नहीं आई? आपा कहाँ हैं? वो लोग बस हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मामू की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आंटी, मामी ने तो हद ही कर दी, इतना लड़ी कि मामू को अटैक आ गया। अच्छा वो आप आ गए, आप प्लीज़ मामी को समझाएं, उनकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो रहा है। हुज़ैफ़ा अलग टेंशन में है, मामू अस्पताल पहुँच गए हैं, वो इस तरह अपने फैसले दूसरों पर तो नहीं थोप सकती ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब्बा आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही मुझे। शुक्र करो बच गए, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? किस कदर सफाक है भाभी आप, आपने हमें भाई से मिलने भी नहीं दिया, हमारे सगे भाई हैं वो। तो मेरे कौन से सौतेले मियाँ हैं, सगे भाई? मामा फुकत से क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को बाबा का कोई एहसास है? हर वक्त आप लोग लड़े होते हैं। तुम मीनी के साइड लोगे ना? शाबाश है। आप चले ऊपर। नहीं जा रही हूँ मैं कहीं भी। आइए मेरे साथ आइए। छोड़ो तुम मुझे, नुकसान तो मेरा होगा ना, इनका क्या जाएगा? बस ना आप चले तो कमरे में अपने। हुज़ैफ़ा तुम ये देखो कि पप्पू बस प्लीज। हुज़ैफ़ा बस करे ना मामा, हुज़ैफ़ा ने कह दिया तो कह दिया, अब बस कोई बात नहीं होगी। हुज़ैफ़ा मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं सुहैना, मैंने जाना है। पप्पू प्लीज कोई गलत बात ना हो। छोड़े ना, बैठे आप लोग। कैसे हैं मामू? पता नहीं, मैं पानी लाऊं आप लोगों के लिए? देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ क्या करती हैं ये दोनों बहनें। आपा आप शांति का ख्याल दिल से निकाल दें, इकबाल भाई और हुज़ैफ़ा जो चाहते हैं वही करें, तो आपके बगैर रह लेंगे, लेकिन आप उन लोगों के बगैर नहीं रह सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों रह लोगी मेरे बगैर? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, ये सोचा कैसे है तुमने? वो शम्मे कह रहे थे कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और शम्मे ने ये कैसे सोचा है? गलती हो गई मुझसे, रिश्ता तय हुए बगैर मैंने उनके कान में ये बात डाल दी। रिश्ता तय है जहरा, रिश्ता तय है। नजो अभी कुछ तय तो हुआ नहीं, आपा तय करवा लेंगे, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। इनको तो देखें, अपनी बहन को कलेजे में लिए बैठी हैं, पता नहीं क्या गुल खिला रही होंगी जहरा आपा। पर हमारे यहाँ रहने से होगा क्या? नज्जो खाला ठीक कह रही है मामा, इससे बेहतर मौका हमें फिर नहीं मिलेगा, ना हुज़ैफ़ा कुछ कर सकेगा ना मामी। मामू की ये हालत हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वरना हो सकता है कि हुज़ैफ़ा मामी के दबाव में आ जाए और ज़हरा आंटी और शांजे भी कोई ना कोई चाल ज़रूर चल सकती है। वही तो पूछ रही, होगा क्या? बस तो अब डिसाइड हो गया, जब तक बात तय नहीं हो जाती हम यही रह रहे हैं, ठीक है? शांजे फोन करो दीम्मा को, मालूम करो कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है तो सिखाओ के फौरन आए और आइंदा वहां कदम न रखे। इसमें मामा का क्या कसूर है, वो अपनी बहन के। अच्छा चुप, जो कह रहा हूं उतना करो, चलो फोन करो। पर वहां बहुत टेंशन में है सब लोग। फोन करो।
हेलो मामा। जी तो मामा। हेलो, हाँ बताओ भाई क्या हुआ है, रिश्ते की बात हुई कि नहीं? शमी, क्या हो गया आपको? इस वक्त मैं ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना वापस आ जाओ और कह दो अपनी बहन से हमें हमारी इज्जत और बेटी हर चीज से ज्यादा प्यारी है। अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो फिर कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और तुम कदम नहीं रखोगी ऐसा मुझे पता है, इसलिए कि मैं और तुम उनसे इस रिश्ते की भीख मांगने नहीं गए थे, उन्होंने खुद बात की थी। और आज उनका बेटा सुहैना से शादी कर रहा है, इकबाल साहब ड्रामे कर रहे हैं, उनकी बहनें चालें चल रही हैं, और हम क्या करें? हमारी बेटी मैंने मांगी थी शमे, और मैं आज भी अपनी इस ख्वाहिश को दिल से लगाए हुए कसम खाई है मैंने, अगर हुज़ैफ़ा की शादी शानज़े से ना हुई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, समझे तुम? जी जी आपा, आपा हम बेटी वाले हैं, सबसे जिक्र कर चुके हैं कि शानज़े की शादी, मुझे पता है आपा आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपकी नंदे एक नहीं चलने दूंगी मैं उनकी, तुम परेशान मत हो। कहा ना मैंने, मैं ये घर छोड़ दूंगी। अरे आपा, आपके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, भाई हूँ आपका, आप जब चाहें आए, बस अगर फैसला हो जाता तो हो जाएगा। अच्छा चले आपा, आप हमारा अपने आप से ज्यादा ख्याल रखती हैं। इकबाल भाई कैसे? ठीक है, लेकिन तुम जहरा को तो परेशान मत करो ना, इसे यहाँ आने से क्यों मना कर रहे हो भाई? अरे नहीं नहीं आपा, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हम लोगों की वजह से आपके घर का माहौल खराब ना हो, आपको तंग करेंगे खामखा। कोई परेशान नहीं करता, मैं हूं ना, देख लूंगी। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बता दिया करो ना ऐसी कोई बात हो तो। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, सुहैना ठीक कह रही है, आप लोग चुपके से निकल जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। अव्वल तो कोई पूछेगा नहीं, अगर किसी ने पूछा भी तो कह दूंगी घर चले गए। ना जो अगर कोई मसला हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मम्मा, आप तो हर वक्त हर बात पर डरती हैं। चलें, ओके नजमा खाला, खुदा देख लेना। हाँ हाँ देख लूंगी। हेलो मम्मा। नहीं बस कुछ परेशान थी। नहीं हुज़ैफ़ा को फोन नहीं किया, आपने मना किया था। जी ठीक, खुदा हाफिज़। मामू हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेहत चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। सच मामू, मुझे तो मम्मा बगैर बताए ही आ गई थी, जब घर पहुंची और इन्हें देखा तो ये तो आपके गम में बिल्कुल निढाल और बेसुध पड़ी थी, बस फिर मैं ले आई। और वैसे मामी ने तो हमें सख्ती से मना किया है कि कोई भी आपसे ना मिले, अभी भी हम छुप कर आए हैं। ये क्या बात है, आना कैसे मना कर सकते हैं? भाईजान ऐसी ही बात है, मुझे तो घर भेज दिया था और मना किया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं अपने भाई को देखे बगैर कैसे रह सकती थी, बस हम आ गए आपको देखने। तुम अपने घर मत जाना। नहीं नहीं मामू, हम अपने घर चले जाएंगे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। कोई जरूरत नहीं भाईजान, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम फिर आ जाएंगे आपसे मिलने, आप फिक्र नहीं करें। ओ, आप लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? अब हुज़ैफ़ा सुहैना बहुत परेशान थी अपने मामू के लिए, रो रही थी, मैं इसे लेकर आ गई। बाबा कल घर आ जाएंगे, उन्हें प्लीज आराम करने दें, बाहर डॉक्टर सख्त नाराज हो रहे हैं कि आप लोग इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, चलो सुहैना बेटी। आई एम रियली सॉरी हुज़ैफ़ा, पर बस हम बहुत परेशान हो गए थे इसलिए आ गए, और सच बात तो ये है कि हम लोग अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते तुम लोगों के बगैर। सुहैना थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, लेकिन इस वक्त आप लोगों को जाना होगा। अच्छा भाईजान चलो बेटे।
कैसी तबीयत आपकी? अब बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है तुम्हें, समझी? हुज़ैफ़ा वो ही करेगा जो मैंने कहा है। उसने कोई बात नहीं की है ना अपनी फूफियों से, ना अपने बाप से सुहैना के बारे में, बता दिया है उसने मुझे। तुम भी बता देना शम्मे को, और ये भी बता देना कि जब मैं किसी को जबान देती हूँ ना तो उस पर कायम रहती हूँ हमेशा। लेकिन आपा मैं तो कहती हूँ कि बस रहने दो, तुमने जो कहना था तुमने कह दिया। मैं अब अपने बाद हुज़ैफ़ा को इन लोगों का गुलाम नहीं बनने दूंगी। हाँ, और मेरी तरफ से शांसे को भी तसल्ली दे देना। अच्छा अच्छा, हमारी तरफ से इकबाल भाई को पूछ लीजिएगा, मैं कल शम्मे के साथ आऊंगी। चलो ठीक। तूने अब क्या फैसला किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुझे अब दोनों में से ना किसी एक को चुनना पड़ेगा। आप किसको चुनो? बोलो, किसी एक पर मुत्तफिक हूं तो बात है ना। तो मेरी जान, ये फिर मसला कैसे सॉल्व होगा? मुझे नहीं पता। एनी आओ, मैंने बाबा को घर भी लेके जाना है। तो घर शक्ल लगा ले। नहीं यार, मैं घर नहीं आऊँगा, क्योंकि घर में पहले बहुत फसाद है। मैं एक दो दिन में ऑफिस शक्ल लगा लिया। मामा प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, मेरे लिए आप लोग अजीज है, मेरी शादी नहीं है। बस कर दो, 10 मरतबा कह चुके हो तुम ये, बस अब चुप हो जाओ। मामा, अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी तो बाबा फुप्पो को लेकर सफिया फुप्पो के घर चले जाएंगे। यानी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, है ना? मामा प्लीज, इस बारे में बात ना करें, बाबा की तबीयत शदीद खराब है। अच्छा सुन लिया, नहीं करूंगी। जाओ जाके अपनी फुप्पियों को समझाओ यही बात। जाओ। ठीक कह रहा है। जी मामा, चलें फिर। नहीं आपा, भाई से मिलकर जाइएगा ना। वो सो रहे हैं, कर लिए, उन्हें आराम करने दें। हुज़ैफ़ा, अगर तुम्हें मेरी किसी हेल्प की जरूरत है। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं भाई का ख्याल रखूंगी। पापा उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। और तुम्हारी मामा? मैंने कहा उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। मुझे तो लगता है हुज़ैफ़ा भाभी की बातों में आ गया। नहीं आपा, परेशान है बेचारा, माँ बाप के बीच में पिसकर रह गया है। ठीक हो जाएगा। चले मामा, चलो। जहरा, इसे अपनी शानजे के लिए हुज़ैफ़ा ही सूट करता है ना। गैर है ना उसमें कोई ऐब है, और सबसे बढ़कर अपने बाप की दौलत का वाहिद वारिस। ऐश करेगी तुम्हारी बेटी। तो क्या आप उनकी दौलत की वजह से? और नहीं तो क्या, हुज़ैफ़ा कौन से शहजादा गुलफाम है? बुरी बात है शम्मे, क्या आप उनकी दौलत की वजह से? लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, औरतें होती ही बेवकूफ। इसीलिए तुम कहती हो ना कि अपनी जिद छोड़ दूं। अरे कैसे छोड़ दूं, फिर ढूंढता फिरूं अपनी बेटी के लिए कोई अमीर कबीर लड़का, और बेटी घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाए। देखो तुम्हारी बहन अभी उस घर में मौजूद है, उसकी मौजूदगी का बल्कि उसकी जिंदगी का फायदा उठा लो। शम्मे आप ये तो सोचे कि आपकी बेटी हुज़ैफ़ा से बहुत मोहब्बत करती है, वो उनकी परेशानी दूर करने की वजह से अपने रिश्ते से दस्तबरदार हो रही है, ताकि हुज़ैफ़ा और शानी आपा किसी टेंशन में ना आए। और हम भले टेंशन में आ जाए, तुम्हारी बेवकूफ बेटी भी बिल्कुल तुम पे गई। समझाओ उसे। भाई जैसे आपकी मर्जी होगी हम वैसे ही करेंगे, चाहे आप मना कर दें। सुहैना भी यही कह रही थी। जी भाई, जितनी जल्दी फैसला हो जाए इस बात का उतना ही अच्छा है, ये तनाव तो खत्म हो। शाहना को बुला। जी भाई, मैंने कह तो दिया है, मान तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा आपने ज़रूरी बात करनी है, आ रही हूँ। आपने दवा ली थी भाई? हाँ।
जी आपने बुलाया था। बैठो। आप बताएं क्या बात है। कल हमने सफिया के घर जाना है, हुज़ैफ़ा का रिश्ता लेना। तैयारी करो। भाभी दिल की बहुत अच्छी है, देखा कुछ भी नहीं बोली। आप लोग जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी मामा की बात नहीं टाल सकता। मतलब तुम? बाबा मैं आपकी बात भी नहीं टाल सकता, मैं दोनों से शादी करूंगा। जा रही शाहना? राज कराएं आप अपनी बहनों को, मुझे नहीं रहना इस घर में। देखो अगर घर से बाहर गई तो आइंदा इस घर में कदम मत रखना। रहना भी नहीं है मुझे ऐसी हैसियत में जहां आप बहनों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हो। चलो शाहना। चलो शाहना। शाहन भाई, भाई भाई खुद को संभालिए भाई। संभालो भाई को। भाई भाई वो गुस्से में मुझे वो मना के ले आएगा भाई। कुछ नहीं होगा, आ जाएगी वो। आ जा चलें अंदर। चलें अंदर। चलें। चलिए चलिए। आज आखिरी दिन था ना? जी। आप पापा से कहें मुझे ड्रॉप करने दें। जबान खींच लेंगे वो तुम्हारी। तो क्या हो गया मामा? शानी खाले को इज्जत नहीं दे सकती, हुज़ैफ़ा को भूल जाऊंगी मैं। पापा पापा ये बैग? मैं वो घर छोड़कर आ गई। खाला हमारे लिए, हमारे खातिर। खाला आप हमारे खातिर घर। तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो फिर क्या करती जब वो दोनों धक्के मार के मुझे उस घर से निकाल देती तब आती। अच्छा आप टेंशन मत लें, शान से जाओ, पापा के लिए चाय लेकर आओ। हाँ शान से। हेलो ज़ैफ़, आपके घर में कोई बात हुई है? शानी खाला अपना बैग लेकर यहाँ आ गई है। आप प्लीज़ घर कॉल करके पता करें क्या हुआ है, अंकल की तबीयत कैसी है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कह रही हो तुम? किसी को बताएगा नहीं कि मैंने आपको फ़ोन किया था, चुप के आपको कॉल कर। अच्छा अच्छा मैं किसी को नहीं बताता, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। ओके खुदा हाफ़िज़। तो कयामत खड़ी कर देगा जब इसे पता चलेगा माँ चली गई। क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? कह दूंगा खाला का घर ही उसका आखिरी आसरा है। मामू मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं, सोच रही थी मामा के और अपने कुछ कपड़े ले आऊं। हाँ बेटा जाओ। ठीक है खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आते तो सलाम करते, बड़े बैठे हैं तुम्हारे। सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। हुज़ैफ़ा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊँ? बाबा मामा कहाँ हैं? तुम्हें पता चल गया होगा, फिर क्यों पूछ रहे हो? बाबा, क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी मामा अपना घर छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाए, अपना शौहर, अपना घर और अपना बेटा होते हुए। उन्हें अपनी जिद पर सब कुछ कुर्बान करना आता है। और आपको? फजूल बातें मत करो। मैं अपनी जिद पर दूसरों को कुर्बान नहीं किया करता, बल्कि दूसरों के लिए कुर्बानी देता हूं। तो बाबा अब क्या होगा? वो मान ले, तुम्हारी शादी सुहैना से ही होगी। और कुर्बानी देने का हौसला पैदा करें। मुझे लगता है ये हौसला खुद ही पैदा करना होगा। बेटा तुम क्यों खड़ी हो? जाओ कपड़े लेकर आ जाओ। जी। हेलो मामा। मामा, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। भाजी पान। अरे मैं सोच रही हूँ, अगर हम दोनों ना होती तो भाजन की दवाइयों को कौन ख्याल रखता? मैं खुद खा लेता। तुम लोगों से बात करनी थी। जी भाई कहिए। देखे, शाहाना जो है जबान की बुरी सही, लेकिन उससे सारी जिंदगी मुझे तुम लोगों को सपोर्ट करने से नहीं रोका। और बहरहाल तुम लोग, मेरा मतलब है नजमा, नजमा उससे बहस करती रहती है। हाँ ठीक है, वो चाहती है कि शाहजे की शादी जो है वो हुज़ैफ़ा से हो जाए, लेकिन हम तो हुज़ैफ़ा की मर्जी से करेंगे ना। जी भाई, जैसा हुज़ैफ़ा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, लेकिन वो लोग मान लेंगे क्या? मानना पड़ेगा, शाहाना को मानना पड़ेगा। आप लोग जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी मामा की बात नहीं छोड़ सकता। मतलब तुम? बाबा मैं आपकी बात भी नहीं टाल सकता। क्या कहना चाहते हो ज़ैफ़ा? मैं दोनों से शादी करूंगा। क्या? बकवास बंद करो, मेरे कमरे में आओ। तुमने जिंदगी को मजाक समझा हुआ है या शादी को? ये सवाल मैं आप दोनों से भी कर सकता हूं मामा। आप और बाबा कौन सी जंग लड़े जिसमें ना सिर्फ आप दोनों की हार है बल्कि सबकी हार? जीतेगा तो कोई भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक वक्त में दो लड़कियों से शादी करोगे? बाबा ये ख्वाहिश मेरी नहीं है, आपकी है, बल्कि आप दोनों की। और मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरे माँ बाप के दरमियान में अलहदगी हो। या तो आप में से कोई एक अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दे। या फिर मुझे। तला, मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया है, कुछ भी हो जाए मेरी शादी दोनों से होगी। एक वक्त में होगी, एक साथ होगी और निकाह मेरे घर पर होगा। तो पागल तो नहीं हो गया?
चलो तुझे क्या लगता है मैं वाकई पागल हूं? नहीं भाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ये जिद किसी ना किसी को शिकस्त मानने पर मजबूर जरूर करेगी, और मेरी बीवी सुहैनया शांदे में से कोई एक हो। हुज़ैफ़ा, मुझे लग रहा है कि जैसे तू बहुत ही कोई खतरनाक भंवर में ना फंसने वाला है। यार तुम क्यों नहीं बोल देते कि मैं किसी एक को चूज करूं और उसी से शादी करूं, क्योंकि मेरी मर्जी है। तला, तू क्यों नहीं समझता कि मेरी मर्जी चलती होती तो बात ही कोई और थी। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि ऐसी ऐसी क्या मजबूरी है। मैं अपने मामा बाबा के बीच में इस वक्त तलाक नहीं देख सकता। तुम्हें लगता है कि उनमें से कोई हार मान लेगी? हाँ, पता नहीं कौन हारा है और कौन जीता है। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मुझे सबा ने तो मैंने कहा तू नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। वाह ज़ैफ़ा साहब वाह, मेरा दिल कर रहा है तुझे ना 21 तोपों की सलामी दूँ। ये क्या हरकत की तूने यार? अगर तेरे माँ बाप कहें कि तू कुएं में कूद जा तो क्या तू कूद जाएगा? तला, मैंने साबित कर दिया ना मैं हूँ वो बेवकूफ़ जो कूद जाएगा। तुम्हें नहीं पता मेरे घर में क्या कयामत टूटी हुई, इसलिए चुप रहो। देख कुछ भी हो, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो माँ बाप को और घर को दोनों को छोड़कर चला जाता। एक हफ्ते के लिए जब घर ना आता ना तो उनको एहसास होता। ज़ैफ़ा, तू उनकी औलाद है, जागीर नहीं है, जमीन का कोई हिस्सा नहीं है जिसको अलग अलग बांट दिया जाए। तला, मेरे माँ बाप को तब भी एहसास ना होता, मैं उन्हें जानता हूं। मेरे घर में इमाज हमेशा से खुला पड़ा, मैंने खुद देखा है कि मेरी फुप्पो ने मेरी माँ की जिंदगी अजीरन कर रखी है, लेकिन फिर भी मेरी मां हर चीज खामोशी से सहती रही। और आज उन्होंने एक फैसला किया है मेरे मान पर, मगर पापा तो तू अपने बाबा को मना कर दे यार, ताकि वो मेरी मामा को तलाक दे दे। तला, तो क्या वो दे देंगे? चला, तुम जानते हो ना वो कुछ भी कर सकते हैं। वाह ज़ैफ़ा वाह, इतना पुराना रिश्ता क्या इतना कच्चा हो सकता है? चला, रिश्ते नए हो या पुराने कच्चे होते हैं, अगर आपके दिल में गुंजाइश ना रहे, मेरी मामा के दिल में भी शायद अब कोई गुंजाइश नहीं रही, और उन्हें आखिरी अलम उठाया है और सर उठा लिया, और कोई जब सर उठा ले तो वो मरना पसंद करता है, सर झुकाना नहीं। यार ज़ैफ़ा, तुमसे बहस करना बेकार है, लेकिन एक जगह तुम भी सही हो कि तुम अपने घर को ज्यादा बेहतर जानते हो। ज़ैफ़ा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि जितना हो सके ना इस सिचुएशन से बचो यार। तला, यही तो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। तुझे क्या लगता है, अगर मैंने गलत फैसला किया तो वो दोनों भी पागल हैं? उनमें से एक ना एक जरूर बैठा उठ करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन शोहर का बंटवारा नहीं। यार ये बात तो मैंने सोची नहीं यार, गुड। वैसे इस तरीके से तुम भी बच जाओगी और तुम्हारी मामा भी, यानी कि तुमने फरमाबरदार होने का दलील भी दे दी और बचने का तरीका भी। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, दोनों में से इनकार कौन करेगा? अब इस बात को तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखो कौन करती है बैकआउट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ज़ैफ़ा हम दोनों से शादी करने के लिए कैसे हाँ कर सकता है? नहीं पापा, ये नहीं हो सकता। फ़ज़ूल बातें मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
जरा तुम शानी आपा से कह दो कि हम अपनी बेटी की शादी सिर्फ हुज़ैफ़ा से ही करेंगे। हमारी तरफ से हाँ समझो। सुहैना, बात को समझो बेटा, तुम अपनी बात पर अड़ी रहो। शानजे जहरा और शम्मे कोई पागल तो नहीं है ना कि ये जानते हुए कि तुम हाँ कर चुकी हो वो शादी के लिए हाँ कर देंगे। खाला ठीक कह रही, और अगर फिर भी तुम चाहती हो कि ऑफ कोर्स चाहती हूँ मैं मामा, मैं हुज़ैफ़ा को शानजे का कभी होने नहीं दूंगी। हुज़ैफ़ा अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। तो फिर फोन उठाओ और करो अपने मामू को फोन और कह दो कि तुम तैयार हो किसी का कोई भी फैसला। करो फोन। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी है शादी। मैं हुज़ैफ़ा को परेशानी देख सकती हूँ। शम्मे, शानजे ठीक कह रही है, आप रहने दो। सवाल ही पैदा नहीं होता, लोग तो अकल छूके नहीं गुजरी। अगर तुम लोग डटे रहोगे तो बैकआउट कर जाएगी। मैं करता हूं आपको फोन, तुम लोग शादी की तैयारी करो। गुड भाई, सुहैना से कहो शादी की तैयारी करे। और तुम फिक्र मत करो, शम्मे को जब पता चलेगा ना कि मैं अपनी बेटी की शादी सुहैना से कर रहा हूं तो वो अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं झोंकेगा। हाँ, अरे शहाना का तो दिमाग खराब हो गया, जब होश में आएगी ना या तो फिर वो शानजे की शादी रुकवा देगी या फिर घर से चली जाएगी। अरे तुम लोगों की वजह से नहीं हुआ भाई, तुम लोगों की वजह से नहीं हुआ, शहाना की वजह से हुआ है। अरे वो वैसे भी घर छोड़कर जाएगी नहीं, धमकी देती है लेकिन जा नहीं सकती। तुम लोग शादी की तैयारी करो। हाँ बाय। तुम फिकर मत करो शम्मे, सुहैना कोई पागल नहीं है, ना ही उसकी माँ और खाला कोई बेवकूफ हैं जो सौतन पर अपनी बेटी दे देंगी। तुम देख लेना, शानजे को हर हाल में मेरे घर आना होगा बहू बन के, ये वादा है मेरा तुमसे और खुद से भी। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं ये घर छोड़ूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। जिंदगी अजाब हो जाएगी, दो टुकड़ों में बट जाओगे। अच्छा, और आप लोग जो मेरे टुकड़े बांटते फिरते हैं उसके बारे में कभी आपने सोचा है? हम ऐसा कब चाहते हैं? तुम्हारी माँ ही है जो जिद पे अड़ी हुई है, उसे समझाओ। मामा ही क्यों, आप बाबा को क्यों नहीं समझाते? मैं तो हमेशा रिश्तों में पिसता ही आया हूं, कभी आपके और मामा के बीच में, कभी मामा और बाबा के बीच में। मुझे लगता है मैं एक जमीन हूं जहां हर शख्स अपनी फसल लगा के उसे काटना चाहता है। कैसी बातें कर रहे हो ज़ैफ़ा? हर बाप का अपनी औलाद पे हक होता है और वो उसकी भलाई चाहता है। रही हमारी बात, हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है और असली मोहब्बत खून से ही होती है। ननियाल से ज्यादा ददियाल वालों का हक होता है औलाद पर, और सुहैना तुम्हें चाहती है। जबान दी थी भाई ने आपा को, बचपन से हमने ये बात सुहैना के कान में डाल दी थी, पूछती है वो तुम्हें। अच्छा, इसी चीज की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। आप लोग कम थे जो एक और दावेदार आ गया। सच्ची मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है ज़ैफ़ा, और अगर सुहैना ने ये सुन लिया ना तो वो तो बेचारी दुख से मर जाएगी। तो मैंने उसे कहा था मुझसे मोहब्बत करे। देखो बेटा, बात को समझो, तुम्हारे बाबा की जिंदगी खतरे में है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? खुदा ना खास्ता अगर दोबारा हार्ट अटैक हुआ ना तो जान देवा भी हो सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि दोनों से शादी कर लूंगा, बाबा की जिंदगी बच जाएगी, मामा का घर बच जाएगा और आप सबकी मोहब्बत बच जाएगी। एज यूजुअल सबको सबका हिस्सा मिल जाएगा। मेरी मानो, तुम शानजे को फोन कर दो, देखो समझदार होगी तो खुद ही इनकार कर देगी, सब मामला ठीक हो जाएगा। कोई भी लड़की सौकन के साथ रहना पसंद नहीं करती। तो फिर दोनों फैसला कर लें किसको किसके साथ रहना है। मैं क्यों फोन करूं? मगर शायद किसी को फोन करना ही पड़े। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, फौरन शानजे को फोन कर दो और साफ साफ कह दो कि तुम शादी नहीं कर सकते उससे।
अजाब से बच जाओगे उज़ैफा। मैं तो हमेशा रिश्तों में पिसता ही आया हूँ। मुझे लगता है मैं एक जमीन हूँ जहाँ हर शख्स अपनी फसल लगा के उसे काटना चाहता है। औलाद के साथ तो ये ना करें, उसकी जिंदगी जहन्नम बन के रह जाएगी। जब तुम्हें ख्याल नहीं है कि उसकी जिंदगी जहन्नम बन रही है तो बनने दो। मैं हुज़ैफ़ा को शांजे का कभी होने नहीं दूंगी। हुज़ैफ़ा अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। कैसे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे शादी से इनकार कर सकती हूँ। तुमसे शादी करना मेरे ख्वाब था सुहैना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.